सेकंड पैराग्राफ में पोइट कहता है कि जब मैंने एक रास्ते के आगे दो भाग हो रहे थे तो पहला मैंने नहीं लिया और मैंने दूसरा ले लिया, तो क्या फर्क पड़ता है जीवन में जब हम किसी भी चॉइस पर दो में से या तीन में से या चार में से एक को चुनते हैं तो क्या होता है? उसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं कि देन टुक द अदर, मैंने ये वाला ले लिया अदर दूसरा, और जब दूसरा रास्ता लिया जस्ट एज फेयर, फेयर मीन्स वो भी बहुत अच्छा था, गुड था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम होता है दावा। वो कह रहा है कि दूसरा रोड मानो मुझे बुला रहा हो कि देखो पहले रोड से सुंदर मैं हूं, साफ रोड है, तुम मेरे पास आ जाओ। हैविंग मैंने रखता था, रखना, वो अपने पास एक दावा रखता था कि मैं बेटर हूं, अच्छा हूं, और अच्छे रास्ते पर आप चलोगे तो आप मंजिल पर और जल्दी अच्छे से पहुंच सकते हो। तीसरी लाइन में देखते हैं पोइट क्या कहते हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, इस पर घास उगी हुई थी, एंड वॉन्टेड वियर, ये चाहता था कि कोई मेरे ऊपर चले और कुछ घास पैरों से कुचली जाए, दबाई जाए। वियर एंड टीयर होता है टूटना फूटना या फटना। वांटेड वियर, वो चाहता था कि कोई मेरा इस्तेमाल करे, इस रास्ते पर कोई चले और जो घास काफी जम गई। आपने देखा होगा कि हम कई बार खेल के मैदान में दौड़ लगाते हैं तो जिस गोल चक्कर में आप या दूसरे बच्चे दौड़ लगाते हैं वो तो बिल्कुल सफेद होता है, घिस जाता है, और बाकी सारी जगह घास या कोई दूसरी चीजें उगने लगती हैं। तो इस पर भी उगी हुई थी काफी सारी घास। वो कहता है कि काश कोई मेरे ऊपर भी चले, मैं भी थोड़ा बहुत टूटना फूटना चाहता हूं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, पास मैंने गुजरना, दो हालांकि एज फॉर दैट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां से गुजरना पड़ेगा। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, सेम मैंने दोनों एक जैसे हो जाएंगे, वॉर्न वही वियर से वॉर्न, वो भी टूटकर फिर पहले रास्ते जैसा हो जाएगा। मानो पूरी पोइम में, पूरे स्टेंजा में पोइट कह रहे हैं कि सेकंड वाला रास्ता भी पहले जैसा होना चाहता है, उसे भी उस पर चलने वाले पासर बाय, पैसेंजर्स, आगंतुक या लोग चाहिए ताकि दोनों बराबर हो जाए। दूसरी चीज देखिए पॉइंट में हम क्या देख सकते हैं कि जैसे पहली लाइन के लास्ट में आर की साउंड है, दूसरी में एम की साउंड है, तीसरी में आर की आवाज आ रही है, तो आर और आर मिल गया। पहली लाइन की आवाज तीसरी लाइन में मिल रही है, चौथी में देयर और पांचवी में सेम, ये आवाजें अलग, क्लेम और सेम ये मिल गई है। तो जब इस तरह से लाइनों के अंत में आवाजें मिलती हैं तो इसे हम राइम स्कीम कहते हैं, RHYME, राइम का मतलब म्यूजिक की स्कीम। स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है, तरीका क्या है? तो कवि की पहली पंक्ति की आवाज तीसरी में मिल रही है और दूसरी की आवाज पांचवी में मिल रही है, इसलिए इस कविता में थोड़ा संगीत भी है, राइम भी है। दूसरा आप चाहें तो देखिए ओ की आवाज, टुक, अदर में भी ओ, और इस तरह से आप मिला सकते हैं कि कौन कौन सी आवाजें कहाँ कहाँ मिल रही हैं। दो
फोर में भी ओ है, आप देख लीजिए, और कहा वॉर में ओ है, ओ सवर की बार बार इसमें पुनरावृत्ति हुई है, और आप ये भी देख सकते हैं कि आसपास कहां हुई है। देखिए सवर हो गया, एक व्यंजन देख लेते हैं, देन का टी, टुक का टी, द का टी, लगातार तीन बार टी व्यंजन की पुनरावृत्ति भी इसमें हुई है। इस तरह को जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ऐसे ही एलिट्रेशन कहा जाता है। तो कविता में एक मोरल मैसेज भी है, कविता में संगीत भी है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है। थैंक यू।